नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार गिरने के बाद अब राजनीतिक पंडितों की नजरें देश के पूर्वी छोर पर मौजूद झारखंड में चल रहे घटनाक्रम पर है। एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गठबंधन सहयोगियों झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ती दिख रही है। देश के कई हिस्सों में मानसून की भारी बारिश के बीच झामुमो कांग्रेस सरकार पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी फिलहाल इस तरह की आशंकाओं को खारिज करते हुए सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि रांची और दिल्ली के सियासी गलियारों में झारखंड की 2.5 साल पुरानी सरकार को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की ओर से चल गया आदिवासी दाव इसकी एक बड़ी वजह है। एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को उतार कर झारखंड में गठबंधन सहयोगियों में दरार पैदा कर दी है। असल में झारखंड में आदिवासियों की बड़ी आबादी है और मुर्मू के नाम के ऐलान से पहले विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करने वाली झामुमो आदिवासियों के नाम पर ही राजनीति करती रही है। ऐसे में उसके लिए झारखंड के राज्यपाल रह चुकी मुर्मू के खिलाफ जाकर यशवंत सिन्हा के लिए वोट करना मुश्किल हो गया। वहीं कांग्रेस चाहती है कि सोरेन 2012 की तरह इस नैरेटिव को दरकिनार करके यशवंत का साथ दे। बता दें उस समय झारखंड में बीजेपी और झामुमो की सरकार थी। बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी नेता पीए संगमा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन झामुमो ने यूपी उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को वोट दिया था। सवाल किया जा रहा है कि यदि झामुमो ने 2012 में संगमा को दरकिनार किया था तो इस बार मुर्मू के खिलाफ क्यों नहीं जा सकती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो झामुमो के लिए मुर्मू के खिलाफ जाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि सिब्बू सोरेन परिवार के साथ उनका रिश्ता पहले से काफी मधुर है। 2012 के राष्ट्रपति चुनाव के कुछ महीनों बाद ही झामुमो ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया था और कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन के बाद सोरेन की पार्टी ने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी। अटकलें लग रही है कि क्या एक बार फिर झारखंड में 10 साल पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में भी 5 साल पहले राष्ट्रपति चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन देखा गया था। 2017 में आरजेडी के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को यह कहकर समर्थन दिया कि बिहार के राज्यपाल सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जाएंगे। कुछ समय बाद ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़कर दोबारा बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।